ओम शांति। हमारा ये जीवन सुंदर प्रभु की सौगात है। अपने जीवन की ब्यूटी को देखो, कितना सुंदर ये हमारा जीवन है। क्या हम इसको सुंदर बनाए रखते हैं या हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? क्या हमने बाबा का बनकर जीवन जीने की कला सीख ली है? सुख लेते देते आगे बढ़ें, खुशियां बांटते हुए इस यात्रा को तय करें, बोझ से मुक्त रहकर अपनी मंजिल पर पहुंचें। क्या हम इस पर विचार करते हैं? जबकि स्वयं भगवान हमें साथ देने आ गया है, जबकि उसने स्वयं कह दिया, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे दे दो, जबकि उसने बार बार कह दिया, जो अब तक बीत चुका उसको बिंदी लगा दो, पास्ट को भूल जाओ, वर्तमान का आनंद लो, तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जरा उसकी ओर तो देखो, अपने ब्राइट फ्यूचर को सामने लाओ, अपने देव स्वरूप पर नजर डालो। पास्ट यदि तुम्हारा कड़वाहट से भरा हुआ था तो अब वो दिन पूरे हो गए, अब ईश्वरीय मिलन के दिन आ गए हैं, अतिंद्रिय सुखों के दिन आ गए हैं। कई मनुष्यों में बिना मतलब की आदत होती है पास्ट का चिंतन करते रहना। नो डाउट किसी का जीवन बहुत बुरा बीता हो, किसी ने स्वयं बहुत पाप किए हो, या किसी को बहुत सताया गया हो, किसी ने किसी को बहुत कटु वचन बोले हो, अपमान किया हो, भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, या किसी के जीवन में बहुत अनहोनी घटनाएं हुई हो, अपने प्रियजनों की मृत्यु किसी ने देखी हो, या कोई बहुत भयानक सीन देखे हो, मृत्यु देखी हो, डेड बॉडीज देखी हो, मुर्दे पड़े हुए देखे हो, आग में जलते हुए लोग देखे हो, या स्वयं इन चीजों से गुजरे हो, तो वो पास्ट सचमुच बहुत भारी होता है और वो मनुष्य के मानस पटल पर इतना ज्यादा छा जाता है कि उसको डिलीट करना बहुतों के वश की बात नहीं होती। परंतु गहराई से चिंतन करें, जो बीत गया सो तो बीत गया, उसको पुनः वापिस आने में अब 5000 वर्ष ही लगेंगे, उससे पहले वो वापिस नहीं आएगा, इसलिए उसको दफना दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो बदबू ही फैलेगी, जीवन बदबू से भर जाएगा, इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करके कि वो भी हमारे कुछ कर्मों का ही परिणाम था या ज्ञानवश हमने ऐसे कार्य किए, उसको बिंदी लगा दो। जब स्वयं भगवान कह रहा है, बच्चे पास्ट को भूल जाओ, तो हम उसे क्यों याद करें? देखिए, भूलती वही चीज है जिसको हम हल्का लेते हैं। अपने पास्ट को अब हल्का कर दो, उसे सीरियसली ना लो कि मेरे साथ ये क्या हुआ या मैंने ये क्या क्या कर डाला, जो हुआ वो सब खेल था। ये भी सोचकर दुखी ना हो कि वो कल्प के बाद फिर होगा, कल्प कल्प होगा, नहीं, केवल एक बार ही होगा। इसलिए ज्ञान युक्त होकर ज्ञान के चिंतन के द्वारा अपने पास्ट को पूरा विस्मृत करो। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां पास्ट को विस्मृत करा देती हैं। जितना जितना हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे, ऑटोमेटिकली पास्ट भूलता जाएगा, हमें लगेगा वो किसी और जन्म के संस्कार थे, वो किसी और जन्म की घटनाएं थी, और स्मृति स्वरूप होने का सीधा सा अर्थ है पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। तो आइए आज सारा दिन हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और उसी के नशे में रहेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अपने को चमकती हुई तेजस्वी आत्मा देखेंगे, संकल्प देंगे, मैं इस देह की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ।
अपने देव स्वरूप को देखेंगे, सजा सजाया सिंहासन पर विराजमान, डबल ताज बहुत डिवाइन कंचन काया। पूज्य स्वरूप मंदिर की देवी या देवता श्री गणेश या श्री विष्णु अपने उस स्वरूप को इमर्ज करेंगे और वर्तमान में श्रेष्ठ ब्राह्मण और मुझे बनना है डिवाइन फरिश्ता, पांचों स्वरूपों को याद करते रहेंगे। धुन लगा दें कुछ समय के लिए तो पास्ट पूरी तरह भूल जाएगा। ओम।